आप ही नहीं, पूरी दुनिया और पूरा आलम इस्लाम तड़प रहा है, और वो सोचते हैं कि इस बुने गए जाल के अंदर से हम कैसे निकलें। कुफर ने अपनी बार जो शयातीन ने मिल के जाल बुना है ना, वो मटीरियलिज्म का जाल बुना है और वो कैपिटलिज्म का जाल बुना है। किसी ज़माने में आप बड़ा बंदा उसको समझते थे जो दुनिया को छोड़ जाता था और राहिब होता था, वो बड़ा आदमी हर तहजीब में माना गया, चाहे वो कुफर की तहजीब थी। बुद्ध होते थे, सन्यासी थे, जोगी थे, राहिब थे, तारकुद दुनिया थे, और आपके यहाँ भी सिर्फ उन लोगों को आप नेक समझते थे और अच्छा आदमी समझते थे जो दुनिया से कम मुस्तफीद होता था। अब आ गई क़यामत, और इस क़यामत की ये सूरत हाल हो गई है कि अब आपका आइडियल जो है ना, वो बिल गेट्स बन जाता है, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं, और आप सारी ज़िंदगी फिर उनकी तकलीद करते हुए भागते हैं। कामयाबी का जो मियार कुरान ने आपको दिया था वो छोड़ दिया, और कामयाबी का वो मियार जो शयातीन ने मिलकर तैयार किया था वो आपने अपना लिया, और उस कामयाबी के मियार को, दोनों मियारों को एक दूसरे से टकराने की बजाय एक दूसरे के साथ आप मिक्सअप करके एक नई शय बनाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से राज़ी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। ऐसा आप काम करना चाहते हैं, आप दुरंगी के अंदर रंगे गए हैं, और इसमें एक आध दिन का वक्त नहीं लगा, ये सदियों की गुलामी आपको जो है ना, सदियों की गुलामी, ये दो चार दिन की गुलामी नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के 30 साल बाद ये सारा काम चल पड़ा, और इस चक्कर को रोकने के लिए अल्लाह के रसूल की औलाद ने पूरी कोशिश की, लेकिन काम रुक ना सका, और नतीजा आज आपके सामने। हम जब इस मौजू पर बात करते हैं तो फिर ये काम बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि लोगों की ज़ाती मियार हैं हक़ को कबूल करने के, और लोगों के ज़ाती ख्यालात हैं कि वो हक़ जिनको समझ रहे होते हैं। तो इस ज़िमन में इस जाल को जब तक आप काटेंगे नहीं, उतनी देर तक आप सारी ज़िंदगी मफाहमत, कंप्रोमाइज, हिकमत, मसलहत, ये 4-5 लफ्ज़ हैं जिसके ज़रिए से आपको समझाया जाता है कि आपने ग़ुलामाना ज़िंदगी कैसे बसर करनी। इन 4-5 लफ्ज़ों की वजह से ही आज हमें ये दिन देखने पड़ गए कि खुद इस्लाम हमारे अपने घरों में अजनबी हो गया। हमारे यहाँ इस्लाम को ये समझ लिया गया है कि ये एक धर्म है, एक मज़हब है, जिसमें पूजा पाठ के चंद तरीक़ेकार हैं, आप उन तरीक़ेकारों को अपनाएं और उसके ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करें और दुनिया से जाएं। ये आपको समझा दिया गया, यानी वो तसव्वुर दीन का आपके सामने रखा गया जो ना खुदा का है ना रसूल का है, दीन का वो तसव्वुर जो दीगर बातल मज़हब और बातल अदियान की तरफ से आया, वही आपके यहाँ आ गया। और इसकी वजह यह है, मैं तो ये समझता हूँ कि बरेसगीर के मुसलमानों का मसला ये है कि ये आके 800 साल बल्कि अब तो 1000 साल हो गए यहाँ रहते रहते, ये खुद हिंदू हो गए और खुद सिख हो गए और खुद मुशरक और बुद्ध बन गए, इन्होंने दूसरी कौमों पे कोई असर नहीं डाला, खुद असर कबूल किया है, दूसरों पे असर नहीं डाल सके। और उसके नतीजे में अकायद आपके बातल हो गए, आपकी तौहीद भी जाती रही, आपके यहाँ नबी का तसव्वुर जो है वो सारा मुरझा गया और कुछ धुंधला गया, आपके यहाँ जो जीने मरने के अंदाज हैं वो कुफार की तर्ज के हो गए, अब आप उनकी करते हैं मुखालफत तो और मुसीबत बन जाती। चलो ये एक मुसीबत ही हम काट रहे थे, उधर से मगरबी तहजीब ने हमला कर दिया हम पे, इधर मशरक की मुशरकाना तहजीब ने हमला कर दिया, उधर मजहब की मगरब की कुफराना, काफिराना और दहरियाना तहजीब ने हम पर हमला कर दिया। अब नतीजा आपके सामने है, आप एक मलगौबा हैं और उस मलगौबे के अंदर से, मिक्सचर के अंदर से बांध बांध की बोलियाँ दीन के नाम पर उठ रही हैं, जिसके नतीजे में आपको खालिस इस्लाम जो है ना वो कहीं मैसर नहीं है। और अगर कहीं आपको खालिस इस्लाम मैसर आ जाता है तो आगे फिर अमल करने के लिए रास्ता नहीं है, अमल करने के लिए अब दुश्वारी ही दुश्वारी, इसी माशरे में रहना है। उधर इस्लाम तंग करता है कि सबके हकूक दो, उधर आप कामयाबी कोई आखिरत के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे, इसलिए ना एक ऐसी चीज़ अब आपके अंदर इस्तराब के तौर पर फिर रही कि आपको दिन रात सुकून नहीं। कुरान तो जो बात बताता है वो तो कुरान मजीद ने साफ बात बताई कि हिसाब का वक्त करीब आ रहा है और लोग हैं कि वो गफलतों में पड़े हुए हैं, हम गफलतों में पड़े हैं, ये इतनी अयाशियाँ हमें दे दी गई हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ दीन की आमेज़िश की गई है। ये बात बिदात से चली थी और रसूमात तक के अंदर आई, और आज पता चलता है कि बिदात कितनी मुदर साबित हुई हमारे लिए बहस मुबासों मुनाज़रों में कि इसकी इजाज़त है, ये बिदत लुगवी है, ये बिदत शरई है, ये हसना है, ये फलानी, इनके बहसें आप अपनी जगह पे, आप उनके असरात देखें कि ये जो फल दरख्त है ये अपने फल से पहचाना जा रहा है और फल किस कदर जहरीला निकला है वो आप सबके सामने। ऐसे वक्त में रकीबों ने जा के ये लिखवाई रपट थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। हम जो लोग हैं दो चार, अगर हम दीन की बात करते हैं
तो लोग हम पे फिर फतवे शुरू कर देते हैं। कोई कहता है ये मुतशद्दद हैं, दीन इतना भी मुतशद्दद नहीं, दीन इतना भी नरम नहीं, सख्त नहीं, दीन के अंदर लचक होनी चाहिए। मुझे एक बात याद है कि एक पीर साहब ना हमारे मुल्तान से आए, तो मौलाना इसहाक मरहूम उस्ताद मोहतरम को कमर का दर्द था, तो किसी ने कहा कि ये साहब ना दम करते हैं, तो आप जो है ना मौलाना को दम करवा लें। मैं उन साहब को एक जगह से लिया और ले गया, रास्ते में वो पीर साहब गाने सुनते रहे, तो मैं चुप करके बैठा, मौलाना के घर पहुंचा, उन्होंने कोई अपना दम पढ़ना था पढ़ा, जोर का वक़्त हो गया, तो मौलाना साहब ने फरमाया काशिफ जोर का जोर की नमाज पढ़ लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मौलाना मैं वज़ू कर लूँ, तो वो पीर साहब कहते आप बावजू नहीं रहते, यानी उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आप बावजू, मैंने कहा मैं बावजू होकर घर से आया हूँ और नहा के आया था, रस्ते में आपने गाने लगा लिए, मैं समझता हूँ मुझे दोबारा वजू करना चाहिए। तो वो मुझे आगे से ये कहते हैं वजू इतना भी कच्चा नहीं होता। मौलाना साहब की तरफ मैं देखने लग गया, मौलाना साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि जा जाके वजू करके आ, वजू इतना भी पक्का नहीं होता, समझ गए ना। तो मैं वजू करके दोबारा आया, यानी आपके घर वाले कहते दीन इतना भी मुतशद्दद नहीं होता, तो दीन इतना भी नरम नहीं है कि इसे तर्न वाला आप समझ के चबा जाएं और खा जाएं जो हो आप इसको, और इस बेचारे का कुछ भी ना। नबी का दीन इस वक्त दुनिया के अंदर शदीद मज़लूम है, ये जैसे आज नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, वैसे ही अब दोबारा वो दौर आ गया कि ये दीन मज़लूम और अजनबी हो गया। इसलिए मेरे भाई आपके इज़्तिराब का जो हल है वो जब मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ, और वो मेरा कोई हल नहीं है, ये मुझे मैंने अपने उस्ताद जी से ही सारी बातें सीखी। कोई बंदा अगर मेरे को खुतबे सुनता है, कोई ऐसी बात जो उसके उसको ग्राह गुजर जाए तो उसको छोड़ दे, हर शय वही है जो मैंने अपने उस्ताद जी से बैठ कर 22 साल के अरसे में सीखी। कोई ऐसी शय नहीं है कि मैं अपनी तरफ से मैनेजमेंट करता हूँ। मेरी मसला ये होता था कि एक बात सुन लेता और उस पर कई दिन बहस और तशरीह जारी रहती, जुमा पढ़ने के बाद किताबें पढ़ी जाती, मुहक्किकीन के सारे इक्तबासात देखे जाते, हर शय उनके साथ मैंने ये काम की। तो अब मैंने उनसे पूछा, ये बात है 1993 की, उस वक़्त ये इलेक्शन हुआ मुस्लिम लीग का, उससे जमात इस्लामी जो है वो अलग हो गई, इस्लामिक फ्रंट बना। तो मैं उस ज़माने में मौलाना से कहा कि मौलाना हमें वोट किसको देना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुस्लिम लीग को देना ये वोट। मैंने कहा तो वो जो इस्लामिक फ्रंट है, कहते बेटा ये तो जो है ना जमात, इसको तो धोखा दे के दूसरे लोगों ने खड़ा किया इसके मुकाबले में इसका वोट ख़राब करने के लिए। तो मैंने कहा ये इस्लाम, कहते इस्लाम यहाँ नहीं आना, इस्लाम के लिए बेटा वोटों के ज़रिए से इस्लाम नहीं आना कभी भी, ये बात तुम अपनी समझ लो, ठीक है। मैंने कहा क्यों नहीं वोटों के ज़रिए से आना, पार्लियामेंट हमारी होगी। सब लोगों ने कहा ना 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 ना, ये तुम्हारी भूल है कि यहाँ इस्लाम आ जाए। इस्लाम के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत और खिलाफत के लिए करनी पड़ेगी तुम्हें, और उसके लिए बेटा इन लोगों को कोई तरीकाकार वजह होना चाहिए। ये बात उन्होंने ख़त्म कर दी। मेरे दिन में कई दिन ख्याल आता रहा कि हमें फिरना, अभी मैं 14 साल का उस वक्त था, लेकिन तबन मतलब यही खिलाफत की बात सुन के, जैसे आप नौजवान मुस्तरिब रहते हैं, तो वो कुछ वो था ना कि फिर मौलाना साहब और खिलाफत की बात करें, जिक्र उस परिवश का, फिर उस पर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजना अपना। मौलाना बयान करें खिलाफत के मसले को, तो खिलाफत के जो मुखालिफिन है वो भी हिल जाते थे कि यार ये खिलाफत है। मैंने वही खिलाफत एक दफ़ा आपने दफ्तर PIE में क्रिश्चियन पार्टी के सामने रखी, तो उसने कहा अगर ये खिलाफत है ना तो मेरी ये दुआ है, उस क्रिश्चियन ने कहा कि या अल्लाह दिन चढ़ने से पहले पहले खिलाफत नाफल हो जाए। जब मैंने उनके हकूक बतलाए, उनकी बातें बतलाईं, वो क्रिश्चियंस का इज्तिमा था, मेरी बड़ी क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे दोस्ती भी थी, तो मैं उनसे डिस्कस करता था, डायलॉग करता था। तो मौलाना मरहूम ने उस वक्त फिर चंद दिन के बाद मुझे कहा कि इसका हल एक ही है कि दारुस्सलाम बनाया जाए। मैंने कहा दारुस्सलाम क्या होता है? उन्होंने कहा एक ऐसी जगह कि जिसमें मुसलमान जो है ना अपनी कोई छोटी सी बस्ती आबाद कर लें, और उसके अंदर फिर वो थोड़ी एक प्रैक्टिस शुरू करें, एक अमीर रखने के बाद वहाँ से लोगों के लिए ऐसे मुबल्लिगीन तैयार किए जाएं, कुछ उनमें से वो हो जो मुहर्ररीन हों और कुछ मुकर्ररीन हों, और वो उनकी तहकीक इंतहाई आला दर्जे की बेटा होनी चाहिए, यहाँ तक कि मुज्तहिद लेवल तक वो जाएं और वहाँ पर जाकर के इस लेवल तक की तहकीक करें। छोटे मोटे आलम का ये काम नहीं, इस कुफर का पानसा पलटना, क्योंकि कुफर अब की बार जो आया ना उसके कई रंग है। हर बंदे को काबू करने के लिए उसके पास कोई ना कोई तरीकाकार है। हम मौलवियों को काबू करने के लिए इस्लामिक बैंक उसने बना लिया है, ठीक है ना, उसने देखा भी सूद का सिस्टम नहीं हाल होता, ये हटते नहीं बार बार, उन्होंने हमारे आगे इस्लामिक बैंक का दाना फेंका, हमने चुग लिया। कोई और बंदा कहता है कि नहीं जनाब मैं नातों के जरिए से आना चाहता हूँ, हम आपको नातों का प्रोग्राम दे देते हैं। आपने उन्होंने यहाँ तक किया
भी एक दफ़ा मैं मैकडोनल्ड गया रमज़ान की रातों में, तो वहाँ पर उन्होंने कुरान मजीद की तलावत लगाई हुई, और KFC की तरफ मैं गया तो वहाँ मौलाना तारक जमील साहब लगाए हुए। अब उस जगह पर मैंने खुद पॉप और जैज़ देखे। ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया कि जब आपको जिस वक्त जिस शय की डिमांड हो रही हो ना, उसको वो फौरी पहुँचा दें। मुहर्रम में आप सारे नेक हो जाएं, रमज़ान में मुत्तकी परहेजगार बन जाएं, बस अगला दिन ईद का है, फिर आता फसलम चले तो तुसी चलो। ये एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया है हमारा कैपिटलिज्म ने और मटीरियलिज्म ने, कि जब तक हम आला कपड़े जूते ना पहन कर कहीं पर जाएं, उतनी देर तक कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता। मौलवियों के लिए भी दाएँ बाएँ चार गार्ड हों तो आप सलाम करते हैं, अगर वो ना ये लेकर जाएँ तो जितनी बेइज्जती ये माशरा मौलवियों की करता है, अल्लाह की पनाह, खुदा के दीन का, अल्लाह के नबी का नायब होकर उसकी जो बेइज्जती होती है वो अल्लाह जाने, ना उसको हक कहने की इजाज़त है, खुद उसको आप भी नहीं पता होता कि हक किस शय का नाम है, ना उसे तहकीक करनी। दरस इंजामी पढ़ लेने के बाद लोग ये समझ लेते हैं कि शायद हम आलिम हो गए, हालांकि दरस इंजामी तो ये बात बताता है कि तुम आलिम अभी तक नहीं हुए, ठीक है ना। इतने उलूम तुम्हारे सामने फ़नून रखे गए हैं, अभी तो इल्म का आगाज़ होना है, ये तो चाबियाँ दी हैं तुम्हें जिससे सुलू खोलने इल्म के और फिर उनको पढ़ना है। तो ये ना मौलवी के पास कोई दीन रह गया, ना आपके पास कोई दीन रह गया, नतीजा उसका आप ये देख लें कि अब ये नौजवान जो चंद यहाँ बैठे ये मुस्तरिब हैं और अंदर इस तरह आप चल रहा है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं। मैं एक बात से कहूँ, इस तरह आ गया, अब बताओ उस इसराब का हल क्या करें, उसका कोई हल होना चाहिए ना। कि इकबाल की तो दुआ थी कि खुदा तुझे किसी है तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं। उठा मौदूदी भी और बड़े बड़े लोग उठे और उन्होंने आपको उससे आशना कर दिया, और अब आप मुस्तरिब फिर रहे हैं और आपका कोई हाल नहीं। अब क्या है, दुनिया को है उस इमाम बरहक की जरूरत जो तुझको हाजिर और मौजूद से बेजार करे। हाल इसका वो इमाम है जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। हाजिर और मौजूद के फितने के अंदर मुबतला है। हाजिर और मौजूद का फितना क्या है, बड़ी गाड़ियाँ, कोठियाँ, आपके कपड़े जूते, बड़े बड़े बंगले, आपको सलूट, बैंक बैलेंस, फैक्ट्रियाँ, और आपकी PR और पर्सनल रिलेशंस, और लोगों के साथ आपका ताल्लुकात, और फूड चेन्स, और आपकी तरह तरह के कपड़े जूते, ऐसी ऐसी चीज़ें ये सारी उसके अंदर आ गई कि अब आप फंसे बैठे। हाजिर मौजूद से जान छूटती नहीं। आप में से कोई आदमी ये तस्वूर ही नहीं कर सकता आपके पुराने कपड़े पहनकर भी ईद की जाती है, हैं? और आपके लोग ईद पर कपड़े ना मिलने की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, यानी दीन के ना मिलने पर पूरे माशरे को अब तक डूब मर जाना चाहिए था, लेकिन दीन नहीं मिलता कोई बात नहीं, रोटी नहीं मिली खुदकुशी, कपड़े नहीं मिले खुदकुशी, है नी, मेरे पास घर नहीं है खुदकुशी, नौजवानों का मुस्तकबिल वैसा एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर जैसा नहीं है खुदकुशी, ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तलाक। हर जगह आप हैं और वालदैन आपका अलग गला दबा रहे हैं क्योंकि उन्हें बेटियां ब्यानी हैं और उन बेटियों के ससुराल को बहुत सारा जहेज देना है, ठीक है। अब आपके म्यार जो हैं कि बेटियां भी वहां ब्यानी हैं, हर अकीदे से कंप्रोमाइज़, हर जात बरादरी पे कंप्रोमाइज़ नहीं, कंप्रोमाइज़ तो लड़के की कम आमदनी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फिर उसके नतीजे आप देख लें, घर टूट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, दुनिया है वो कहता है मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफर अदा का गमजा है ऐसा की। इकबाल ने कहा उससे, कहा मता जो लुटी थी वो दुनिया वालों की नहीं लुटी, अल्लाह वालों की लुटी गई। मताए दीनो दानिश लुट गई है बस अब अल्लाह वालों की, अल्लाह वालों की मताए दीनो दानिश लुट गई। आपकी हिकमतें पड़ी रह गईं, आपकी तफसीरें पड़ी रह गईं, आपका कुरान पड़ा रह गया, तब कोई शय खुदा रसूल वाली नहीं और आप सारे बैठे, ये किस काफर अदा का गमजा है ऐसा की। कौन है जिसने तुमको ये अपने चेहरे के ऊपर से ऐसा मेकअप करके खूबसूरत दिखाया कि तुम उस पर दिलो जान दे बैठे हो और फरेश्ता होकर खुदा और उसके रसूल को भुला बैठे हो। ऐसा ये तहजीब और माशरत आई। इस सोमनाथ को तोड़ने के लिए कोई इब्राहिम नहीं उठा, इब्राहिम नहीं अभी तक पैदा हुआ। सनम कदा है जहां और मर्द हक है अखली, कहां से आप लेकर आएंगे मर्द हक लील? ये सनम कदा एक आपने तैयार कर लिया है और वो सनम कदा आपका इस तरह का है कि उसमें सोमनाथ और लात और मनात और हुबल और उज्जा देवी वैसे ही आज चीख चिल्ला रही है, लेकिन आपकी बार उसकी शक्लें और हैं। ये वही मुशरकीन है जो कुदर के मुशरकीन थे, ये वही लोग हैं जो हजरत इब्राहिम को आग में डालने वाले थे। और मिसले आज से नमरूद डाला गया हूँ, इकबाल ने कहा। मैं इस तहजीब में इकबाल कहता वैसे डाला गया हूँ जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग तैयार की थी वैसे डाला गया और आप उसमें तड़प रहे हैं। इसका मेरे ब्रदर बगैर लगी लिपटी के मैं टू दी पॉइंट की इधर उधर की बातें हेर फेर आपके सामने से करके चला जाऊं और आपको कोई तिफल तसलियां दूं और जान छुड़ाऊं,
मैं आपको टू दी पॉइंट एक ही बात कहूँ, उस्ताद जी का एक ही कहना था कि दुनिया के दो मुफक्करों ने मिलके सोचा कि क्या किया जाए, एक का नाम इकबाल था और दूसरे का नाम मौदूदी, मौदूदी बच्चा था और इकबाल जवान, दोनों ने मिलके जो एक फिक्र की ना भी अब करना क्या चाहिए, उन्होंने कहा फिर इसके लिए एक बस्ती अलग बसाई जाए जिसके अंदर जो है ना वो लोग अलग हो जाए, तबद्दुल इख्तियार कर जाए, अलग हो जाए इन लोगों से, वरना आप इन बस्तियों के अंदर रहेंगे और आप इसके अंदर ज़ाया हो जाएंगे, ये इस कदर गंदगी का तेजाबी मुआशरा मैं इसको कहता हूँ, जैसे इकबाल ने कहा था तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए नरम जिस तरफ चाहे इसे फिर, आपकी खुदी आपकी गैरत आपकी हयाएँ और आपकी इफ्फतें और आपका दीन इस गंदे मुशरकाना और मटीरियलिस्टिक माशरे के अंदर जब डाल दिया जाता है तो चंद अरसे के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, अब गैरत जाती रही है तैमूर के घर से, इकबाल ने कहा था अब जो है गैरत है बड़ी चीज़ इस जहाने तगो दो में, इस जहाने तगो दो में गैरत बड़ी चीज़ थी, मगर वो क्या हुआ वो चली गई अब आपके घर से, अब बेशरम बना दिया माशरे को, इफ्फतें जाती रही हयाएँ जाती रहीं, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, मैं भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और अभी तक जाता हूँ, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं मगरबी तहजीब से लेकर मशरकी और सारी दुनिया की चीज़ें पढ़ता हूँ, और मैं मौलाना साहब की ज़िंदगी में भी पढ़ता था और वो भी मुझे बताते रहते थे, हमने सारा जायज़ा निकालने के बाद कहा कोई बस्ती बसा लें जहाँ पर आप इनसे अलग हो जाएं, थोड़ी रोटी खा लें, दीन अपना बचा लें, आप बैंकों की नौकरियों के पीछे पड़े रहेंगे, आप पढ़े रहेंगे डॉक्टर बनते फिरेंगे जी, जब भाई आपने डॉक्टर भी रहना है, इंजीनियर भी रहना है, बैंकार भी रहना है, सीए भी किया हुआ है आपने रहना है, आपने दुकानदार भी रहना है, अपनी दुकानदारी को दिन ब दिन बढ़ाना है, मैनेजर बनना है, सब कुछ रह जाएंगे, मुसलमान नहीं रह जाएंगे आपका दिल इस तरह में आता रहेगा, मरते वक्त कहेंगे हाय अफसोस के ख्वाब का देख के जो कुछ देखा था और जो कुछ सुना था अफसाना था, उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये जो मैं देख रहा था ये ख्वाब है और जो मैंने सुना था कि दुनिया की ज़िंदगी के नशे और मज़े हैं ये सारे अफसाने साबित हो गए, अब खुदा सामने हैं, सलाम उन कौलों में रब्बे रहीम की आवाज़ें ऐसे आदमी को दुआने से रहीं, तो मेरे अजीज़ इस वक्त या तो अपने ओहदे बचा लो या अपनी मुसलमानी बचा लो, बातें दो ही हैं, बाकी कुफर को ठंडे पेटों बर्दाश्त जो करना है वो भी मौलवियों ने तरीके बता दिए हैं आपको, बड़े बड़े मार्केट के अंदर इस्लामी स्कॉलर बैठे हैं उन्होंने आपको बता दिया भी ठंडे पेटों कुफर को किस तरह बर्दाश्त किया जाता है, बेगैरत किस तरह हुआ जाता है, बेहया किस तरह हुआ जाता है, वो उन्होंने अपने तरीके आपको बताते हैं, उन पर भी अमल करने वाला एक माशरा करते रहें, लोग जो कुछ मर्जी करते रहें आप ठीक रहें, कैसे ठीक रहें, सैयद मौदूदी ने बड़ी अच्छी मिसाल उस ज़माने में दी, उन्होंने कहा भाई आप अपना घर तो साफ कर लेंगे लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो जरा सी बाहर गंदगी के गली के अंदर है वो आपके घर में उड़कर नहीं आएंगे, वबा आपके घर में दाखिल नहीं होगी, क्या सफाई कर लेने से वबा का दाखिला ममनू हो जाता है, आपके बच्चों ने बाहर नहीं फिरना, आपकी बीवी नहीं बाहर जाएगी, आपकी अलैक सलैक नहीं होगी, तो जब ये चीज़ें बंदा करता ही था मैं दुनिया के अंदर, जब बंदा ये देख लेता है कि दूसरा ये कर रहा है और दूसरा मुझे ये ताना देगा, लोग मुझे अपने स्टेटस का नहीं समझेंगे, लोग मुझे अपना नहीं समझेंगे, मुझे मेरे बच्चों को रिश्ते नहीं होंगे, मेरी बच्चियों को रिश्ते नहीं होंगे, ये अंग्रेजी नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे और बोलेंगे नहीं तो सोसाइटी में मूव किस तरह करेंगे, ठीक है ये कल को किस तरह से आपको अंग्रेजी का इस कदर, आपके तो फैसले भी अंग्रेजी में होते हैं, यानी आपको इस कदर उसमें दबाव में ले आए कि अब आपका मुआश हो, तालीम हो, तहजीब हो, सकाफत हो, वो इनके साथ जाती तशख्स कुछ आपका नहीं रह गया, और यकीन जाने ये तारीख के बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, बाकी दौर कुछ ना कुछ थे लेकिन इस दफ़ा जो हमला हुआ है ना हम पे मटीरियलिज्म का और कैपिटलिज्म का और उसमें कंज्यूमरिज्म और कमर्शियलिज्म, ये ऐसे इज़म्स हैं कि जिनको मिला के इन्होंने फिर एक मलगौबा तैयार किया है और उसको मिक्सर करके जिस बंदे को जो डोज होती है वो इसको दे देते हैं, इसके लिए एक दारुसलाम जो सैयद मौदूदी और उन दोनों ने मिलकर सोचा था, वो दारुसलाम जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद टूट गया, वो उधर रह गया सारे का सारा, इधर आके कोशिशें की लोगों ने बस्ती ऐसी बसाएं जहां ये जो है ना मटीरियलिज्म से आपकी जान छूटे, उसके लिए तरके वतन करना पड़ेगा, कोई दूर का इलाका ढूंढना पड़ेगा, लोग मुझे कहते हैं आप दही जिंदगी के बारे में कहते हैं कि हम दही जिंदगी इख्तियार कर लें, जाएं जाके गांव का हाल देखें, मैं उनसे कहता हूं आप बड़े सादे और भोले हैं, मैं आपको सादा जिंदगी का कह रहा हूं, दही जिंदगी का नहीं कह रहा, दही जिंदगी हमारे लिए मिसाल नहीं, सादगी आपके पास थी, सादगी आपको माशरा अपनाने नहीं देगा, आपने बच्चे किन के यहाँ ब्याने हैं, आपने इनकी शादियों पे नहीं जाना, इनकी मरगों पे नहीं जाना, आप जो चंद लोग हैं ना अपना ही सरमाया इकट्ठा करें, जाके एक बस्ती बनाएं, उसके अंदर अपना स्कूल सिस्टम आपका हो, जो बच्चों को जो बाकायदा अल्लाह के रसूल चाहते हैं
ایمانیات، عقائد، ان کو اس کفر کی جو بنائی ہوئی تہذیب ہے اس میں دنیا کی بنی سب چیزوں کو خدا بنا کے آپ کو دکھایا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر جا کے آپ کو خدا کا تصور جو ہے وہ ایک نیا آپ کے بچوں کو دے سکیں اور توحید سکھا سکیں۔ یہ ایک ممکن ہے، آپس میں شادیاں کریں تب آپ کی بدعتیں جانی ہیں، تب آپ کی رسومات جانی ہیں، جب آپ کی میتیں ہونی ہے پتہ ہے بعد میں رسم ہی کوئی نہیں کرنی، ہمیں کس نے تانا دینا ہے؟ مسلمان ایک نہیں ہوئے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں کوئی نیا آئیڈیا نہیں دے رہا، ساری کفر کی تہذیب نے بھی، ہم بحریہ ٹاؤن میں ہی تھے، دوست کا گھر وہاں تھا، انہوں نے ہمیں رات ٹھہرا لیا، توبہ توبہ توبہ، کیا وہ اتنا لمبا چوڑا، پھر گھر، پھر ڈھائی ڈھائی تین تین کروڑ روپے کے گھر، سڑکیں بس صاف کر دی اور نیٹ اینڈ کلین کر دی، آپ کا معیار زندگی وہ ہے۔ یعنی کافروں نے مل کے اپنا ایک اسٹینڈرڈائز کہ کس طرح، ہاؤ ٹو لیو ہیئر، ہمیں یہاں کیسے رہنے کو، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا لی۔ آپ مسلمان آپس میں مل کے نہیں بنا سکتے، انہوں نے اپنے سارے نظریات آپ کو دکھا دیے، آپ ان کو دین نہیں دے، دین باتوں میں بھائی رہ گیا اور کتابوں کے اندر رہ گیا۔ مناظرے کرا لیں، فاتحہ خلف الامام آپ کا حل ہو جائے تو بڑی بات ہے، آمین بالجہر کچھ ایسا ہی ہو جائے، اللہ کرے، میں کہتا ہوں وہ بھی کوئی حل ہو جائے، کوئی رفع الاجرین، کوئی آپ کے ہاتھ ہیں وہ کوئی سدھے سدھے پدرے ہو جائیں، یہی آپ کا مقصد ہے مولویوں کا، کوئی اس کا رد کر رہا ہے، وہ اس کا رد کر رہا ہے، ایک جواب دوسرا جواب۔ مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ ایک آدمی نے ایک سیریز تیار کی، تو وہ جوں ان کے خلاف لوگ مجھے کہیں آپ ان کا جواب دیں، میں نے کہا بھی جس کو میرے استاد جی کی بات سمجھ نہیں آئی اس کو میری کہاں سے آ جائے گی، ہیں میرے استاد جی نے حوالے پڑھ پڑھ کے دکھا دیے، سارا کچھ وہاں پہ کتابوں کے حوالے دے دیے، اب میں کہاں سے نئی کتابیں لے آؤں، میں نے بھی تو وہی دہرانی ہے، تو کیا فائدہ؟ اس لیے یہ بندہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، اور وہ مر گیا، کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی کہانی، چار دن یہ چلتے ہیں مسئلے، اس کے بعد انسانیت کے ان مسائل پر آپ بات کریں جو بندوں کے ایکچوئل مسائل ہیں۔ اے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش، اے کے خفیرہ از جلی ہوشیار باش، کہیں ابو بکر کا فیصلہ، کہیں بی بی فاطمہ کا فدق، یہاں بیٹیوں کی وراثتیں لٹ گئیں، حضرت بی بی فاطمہ کا فدق ہی نہیں ابھی تک حل ہو رہا ہے، ملک تباہی کے دانے پہ چلا گیا، آپ ابھی تک کہتے ہیں کہ ابو بکر نے لینی تھی یا علی نے خلافتیں لینی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسئلے ہیں، ہے جی، تو ہمارے استاد نے اس کو تاریخ کو حل کرنے کے لیے بیان کیا، آپ نے چسکے کے لیے اس کو پکڑ لیا، آپ جس کے منہ میں دیکھو یہی بچہ میرے پاس آ رہا ہے، جی میں یہی خلافت کے لیے جان دینا چاہتا، جی سکتے نہیں تم خلافت کے لیے، مرنا تم نے، دو دو تھپڑ پڑے ابھی جی ایچ کیو سے بندہ آئے اٹھا کے لے جائے، آپ نے بندے کا پتر بن جانا، ایسے دماغ آپ کا سیٹ ہو جانا، کیا آپ کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میرے عزیزو، کوئی کام کی بات آپ کرو تاکہ کوئی عمل اور پریکٹس میں آئے۔ میں یقین جانے تبن انتہائی مناظر آدمی، میری تباہی مناظرہ ہے، مجاہدانہ مناظرہ، زوراور قسم کا، استاد جی نے وفات سے پہلے مجھے حاج اپنے ساتھ کرایا، اور کرانے کے بعد کہا میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں بھی مناظرہ نہیں کرنا، میں نے کہا استاد جی مزہ ہی نہیں آتا اس کے بغیر، بندے کو چھیڑے بغیر، انہوں نے کہا نہیں کاشف مناظرہ نہیں کرنا، امام غزالی بھی آخر میں چھوڑ گئے تھے، میں نے بیٹا کیے میں نے بھی مناظرے چھوڑ دیے، تیرے استاد نے چھوڑ دیے، میں نے کہا پھر کیا، انہوں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں قول بیان کیا، جب خیبر میں جانے لگے تو پوچھا یا رسول اللہ کیا فقط جنگ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، پہلے دین کی دعوت، اور تیری وجہ سے اگر کوئی آدمی راہ حق پر آ جائے تو وہ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے۔ میرے استاد جی نے اپنی وفات سے دو مہینے پہلے، میں کسی وجہ سے کسی مطلب صدمے سے میں نے پڑھانا ترک کر دیا تھا، بچوں کو تفسیر پڑھاتا تھا، ان کی زندگی میں درس بھی دیے، جمعے بھی پڑھائے ان کے سامنے، وہ میرے درس میں بھی بیٹھ کے میرا سارا درس سنتے تھے کہ کہاں غلطی ہے، بتاتے بھی تھے آخری دفعہ بھی، تو میں بد دل ہو کے کام چھوڑا، انہوں نے کہا نہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، عہد باندھ لیا، وعدہ لیا کہ دوبارہ اس چکر میں نہیں پڑھیں گے، انہوں نے کہا اس سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی پتر، منہ بند ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہدایت کے لیے دل بھی بند ہو جاتا ہے، اس آدمی دل بھی بند، استاد جی نے جو بات کہی، میرے استاد بڑے حکمت والے آدمی تھے، انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے، یقین جانے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو دین کے بارے میں حکمت تھی، میں نے 22 سال میں گھر کے مشورے کے اندر ان کا مشورہ بڑا قیمتی پایا، میں نے جب سیاست کے اندر مختلف نظریات اپنانے کے لیے مختلف شخصیات نے مجھ سے رابطہ کیا، تو یہ عمران خان کے ساتھ بھی میری اس زمانے میں بڑی تھی، تو یہ بھی تقریریں تقریریں، میں نے کہا جی وہ ایسے ہونا، کہا بہ جا آرام نہ، جدوں آیا تھے اسٹیبلشمنٹ کے ہتھاں چڑھ کے آنا ہی، بعد میں آیا ہے آپ دیکھ لیں، تو استاد جی کے بڑے نظریے زبردست قسم کے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کی بڑی گہری نگاہ ہوتی تھی، ہر چیز کے بارے میں سوچتے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ نسخہ بتایا کہ یہ دار السلام ہی بنے گا تو جان چھوٹ، ان سے الگ ہو جائیں آپ، بالکل قرآن مجید میں تبتل کا آیا ہے کہ سورہ مزمل کے اندر، کہ اے نبی
इनसे तबत्तु लिख रहा है और तब्तीला ऐसा करके दिखा दें कि पता लग जाए तब्तीला हो गया इनके साथ, और फरमाया इनसे हिजरत कर जाएं और कहीं एहजार फरमाया। अब आपका भाई काम है कि मैंने ये फिक्र आपके सामने रख दी है, आप कोई ऐसी बस्ती बनाएं जिसके अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम अपना हो। इस एजुकेशन सिस्टम से आपने पढ़ा के लेना क्या है? एक डॉक्टर साहब है मेरे पास फैसलाबाद में, वो सारी फैमिली डॉक्टर्स की है। तो मुझे एक दिन वो कहने लगे, काशी भाई आपकी बातें सुनने के बाद मैं क्या करूं, बीकन है उसमें बच्चे पढ़ते। मैंने कहा हटा लो। उसने बच्चे कहने पे हटा लिए, उसका बाप सारा खानदान पीछे पड़ गया, ये तुम क्या कर रहे हो, बच्चों का मुस्तकबिल काशिफ तारीख करा रहा है। उसको क्या पता, जब मैं हम आपको छेड़े ना किसी जगह से जो आपकी मनपसंद खाजा हो, आप फिर कहते उसको क्या पता। पता तो हमें सारा कुछ है, ये हशर के दिन तुम्हें ज्यादा पता लगेगा। फकशफ नान का किता फबसर कुल यौमुल हदी, आंखें मल कर देख ले हशर का दिन आ गया। जिस बात से ये लोग हमारे नायब तुम्हें डराते थे, फिर वो दिन आया कि नहीं आया? अब हटा लिया। मैंने उन्हें कहा अपने बच्चों को घर के अंदर पहले उर्दू पूरी पढ़ाएं और उसकी ग्रामर पढ़ाएं, उसके बाद अरबी ग्रामर, उसके बाद अंग्रेजी ग्रामर, तीन सिर्फ जबानें सिखानी है। इसके सीखने के बाद किताबें मैं देता जाऊंगा, बच्चे दौड़ते चले जाएंगे। छः महीने में टॉप की वो उर्दू सीखने लिखने लग गए हैं। अब उन्होंने अरबी का उस्ताद रखा लिया, कहते लाखों रुपया बच गया, एक उस्ताद रखा घर में, खुद होम अपनी स्कूलिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। अब और भी दोस्त हैं हमारे, निशान साहब हैं, ये भी कर रहे हैं। तो मसला ये है मेरे अजीज़ो, ये अपनी लाश बनानी पड़ेगी, बगाने के पैसे वापस करने पड़ने। अब उधार के पैसे रख के सरमाया दिया, आपसे जा रहा नहीं, ठीक है ना? अगर आपने कुछ नया काम किया तो बैंक प्लज हो जाना है सारा कुछ, सोसाइटी में आप मूव नहीं कर सकेंगे। आपकी बेटियां कौन लेगा? वो लेंगे जो आपके हम ख्याल होंगे। आपके बेटों के लिए दुल्हनें कहाँ से आएंगी? वो जो आपके हम ख्याल होंगे। आपको ये जो दिखावे की जिंदगी आप बसर कर रहे हैं, इससे किन के साथ आप रहेंगे जो खुद दिखावा नहीं कर रहे? ये फिर एक सोसाइटी बनेगी, और कुछ मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ एक इतिहाद की जरूरत है कि कुफर तो हो गया, अल कुफर मिल्ला तुम वाहिदा, और आप वाहिदा की बजाय मुंतशरा, बर्बादी हो गई आपकी और कुछ नहीं। इसका सिर्फ एक हाल है कि अपनी कोई शहर से हट के एक बस्ती बनाएं, उसके अंदर मिलके अपनी कोई जगह लें, और वो बहुत अच्छी मैनेज हो जाती। उसका मैंने कोई 32-33 घंटे लगा के इन बच्चों ने 2-4-5 साल पहले मुझसे रिकॉर्डिंग करवा ली कि वहाँ कैसे कैसे हम चलेंगे। मैंने वो सारी इनको रिकॉर्डिंग कर दी कि भाई आप ये कर सकते हैं। मैंने उस पर बड़ा काम 30 साल किया है, ठीक है? आप भी इस तरह की कोई बस्ती बसाएंगे तो जान छूटगी। मैं आपको यहाँ पे लॉलीपॉप दे जाऊँ, आप सुबह उठा करें कुरान मजीद की ये चार सूरतें पढ़ा करें, फिर उसके बाद जिक्र किया करें, फिर आप रोज़े रखा कर रख लें रोज़े, तो कर लें जिक्र भी आप और पढ़ लें कुरान मजीद भी। अगर आपकी जान छूट जाए इस तहजीब से तो छूट सकती है। ये तहजीब का वो जिन है, मगरबी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मरियम जमीला मरहुमा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह के कहने पर यहाँ आ गई, यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, इस्लाम से मुतासर हुई, मौलाना मौदूदी से इनकी खतों किताबत हुई, वो छप गई उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी, कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन मरियम जमीला एंड सैयद मौदूदी। वो पढ़ने के काबिल, उसने सवाल जवाब किए, उसको समझ आ गया कि मुझे न्यूयॉर्क तर्क करना पड़ेगा छोड़ के। आप न्यूयॉर्क भागते हैं, वो न्यूयॉर्क से यहाँ आ गई, आके लाहौर में 3 मरले के मकान में दूसरी बीवी की हैसियत से वो रही, और 36,000 सफात उसने इस्लाम के हक में लिखे, और वो बाहर यूरोप में छपे। अब उसकी किताबें ना पढ़ने वाला कोई है ना छापने वाला कोई। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई, मुझे किसी ज़माने में किसी ने कहा कि ये मर्ज़ियों ने इंटरनेट पे लिखा कि ये सिरे से कोई औरत ही नहीं है, सिर्फ मौदूदी को मशहूर करने के लिए जमात इस्लामी ने ये काम किया। तो मैंने उनका खोज लगा लिया, तो मैं उनके घर चला गया और मुलाकात की, तो वो बूढ़ी हो चुकी थी और 72-74 साल की थी उस उम्र। तो मैंने उससे पूछा, तो उससे मुझे सारी बातें जो कुछ सवाल थे, एक मेरा उसके ऊपर सवाल था कि कुरान को हक तुमने कैसे पाया, एक मेरा सवाल था कि एक आदमी जो है अगर दहरिया हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में आप कैसे महसूस करते हैं कि कोई कमी रह जाती है। ये कुछ ना 5-7 सवाल बड़े अहम थे जो मैंने उससे किए कि ये क्या सोचती। आप समझें वो मौलाना मौदूदी से भी ज़्यादा पढ़ी हुई थी, ये समझ लें बस। मैं आपको यही कह सकता हूँ क्योंकि जो वेस्ट का साइंटिस्ट और जितने फिलोसफर थे, कांट, हेगल, ये ह्यूम, ये जितने भी बड़े बड़े थे, ब्राउनिंग, नेत्शे, ऐसी जबरदस्त तनकीद लिखी, उसने फिर एक किताब लिखी वेस्टर्न सिविलाइजेशन कंडेम्स इट बाई सेल्फ, बड़ी जबरदस्त, अपने हाथ से मुझे लिख कर दिया कि मरियम जमीला तुम्हारी बहन जो है ना वो तुम्हें ये गिफ्ट कर रही है। तो मैं रो
तो मुझे कहा, उन्होंने कहा कौन क्यों रोते हो? मैंने कहा मैं इसलिए रोता हूँ तुम्हें देख के कि अंति महाजरा तुम इल्लाही, तू वो है जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम अपनी दुनिया बनाने के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं, हाँ जी। उसके पुत्रों को, वो दो बेटे उसके मिलने के लिए गए अपने नाने को जो यहूदी था, तो नाने ने $50,00,000 उसकी माँ का हिस्सा उनको विरासत में दे दिया। वो वहीं रहते थे, उन्होंने अपनी माँ को भेज दिया। माँ ने पूछा ये क्या है, तो उसने आगे से जवाब दिया कि नाना अबू कहते हैं कि ये तुम्हारी एक खाला थी, उसको $50,000 चला गया, एक तुम्हारी माँ का, तो मैं हिस्सा देना चाहता हूँ। माँ ने उसी वक्त लौटा दिए $50,000। जनरल के बारे में लिखा है एक ने कि ये तो $5 पे माँ बेच देते हैं, $50,000 उसने उस वक्त लिख दिया। उसने कहा ये काफर का वारस मोमन नहीं हो सकता, ये शरीयत कहती है। 3 मरले के मकान में, वो अक्टूबर 2012 में मैं हज पर था, मौलाना साहब भी साथ थे, तो मैं वहाँ किसी दोस्त की बीवी को ये दिखा रहा था कि इसको इसके बारे में पढ़ो, तो नीचे लिखा आ गया कि आज उनकी वफात हो गई। बहुत मैं दुखी हुआ, उतना ही रोया होगा जितना कि शायद मैं मौलाना की वफात पर रोया। किसी ने जमात इस्लामी ने ये काम छोड़ दिया, ना उसकी किताबें आम की, ये एहतजाज नारे लारे आप करी जाएं। मैं अपने जुमे के खुतबे में बताता रहता हूँ भाई अब ये होगा, अब ये होगा। लोग कहते हैं आपको कैसे पता चल जाता ये होगा, तो मैंने कहा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, हमें पता चलता जाता है कि बार बार क्यों हम धोखे खाते फिरते। एहतजाजों नारों से कुछ नहीं होना, कोई काम नहीं आपका होना, आप इनसे अलग हो जाए। इनकार कर दें इस तहजीब को, जिस तरह हुसैन ने इनकार कर दिया बैत से, छोड़ दें, दफा करें इन्होंने आप भाई भाई मिलके रह लें, आप एक दूसरे के इन्ना मल मुमिन नखवा तुम बन जाएं, वैसे ही जैसे अली भाई बन गया था जाके उमर का, और उमर भाई बन गया था उस्मान का, वो बन गए अली के, और वो बन गए हमारे यासर इब्ने मसूद के। यारों ने इकट्ठे होकर मदीना बसा लिया, नबी ले गया अपने चंद यारों को लेके, कुछ को हिजरत हबशा करा दी, कुछ को जाके नबी लहसन अलग बस्ती बसाएं। क्या आपने हुकूमत से टक्कर लेनी है, ना आप रियासत से टक्कर लें, ना लें पंगे, ठीक है ना, कि हमने खिलाफत लानी है, हमने निज़ाम को बदलना है, हमने इनकलाब लाना है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने साफ लफ्ज़ों के अंदर ये बात कही कि ये लोग इस्लाम के लिए जेलें भी भर सकते हैं, ये इस्लाम के लिए गोलियां भी सीधों पे खा सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो इस्लाम के लिए कभी जी के नहीं दिखा सकते। काफर कहते हैं हम आपको जीने नहीं देना इस्लाम के साथ, मार देंगे आपको, बम मार के वो हमें मार रहे हैं अफगानिस्तान और जहाँ कहीं इस्लामी निज़ाम की आप बात करते हैं, जहाँ कहीं भी हुए आप ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही रोज़ रोज़ इस तरह के फजूल कामों में लग के इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करें, इनसे तबत्तुल इख्तियार करें, और तबत्तुल जब आप इख्तियार करेंगे वो एक बहुत बड़ी दावत होगी, आप लोगों को बता सकेंगे कि जिया इस तरह भी जा सकता है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम का घर कितना था आप जाकर देखें, जिस किसी को ज़ियारत रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई है वो उसको रोज़ा ना कहे, वो बैतुल नबी है। आप जब रोज़ा कहते हैं आपके सारे ख्यालात ख़राब हो जाते हैं, आप कहें ये मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का घर है, उसको जाके आप अपना यहाँ से फीता ले जाएं, माप के देख लें कितना प्यारे नबी का घर था। नबी ज़िंदगी गुजार गए और अल्लाह ने कहा कि ज़िंदगी इस तरह की चाहिए, एक ईद दिखा दे जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने नया सूट अपने घर वालों को खुद सिलाया, नबी ने इतने खाने खाए हों जितने आप खाते हैं, एक दस्ती का हजूर ने जी दस्ती खाई, मैंने कहा रोज़ खाई, तुम तो कभी खैबर शनवारी पे पकड़े जाते हो, कभी खान शनवारी पे पकड़े जाते हो दस्ती खाते हैं, बताएं ना, तीन दिन जूला मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर नहीं जलता, आपके यहाँ बुझता नहीं, आपके यहाँ तीन टाइम जलता है और क्या बताएं। जब आपने भाई करनी अय्याशियाँ, हजरत उमर हुए दाखिल, आगे देखा प्यारे नबी अलैहिस्सलाम लेटे, और लेटे भी आप अलैहिस्सलाम कहाँ, एक आपने खजूर की चटाई, बदन मुबारक से कुर्ता शरीफ उतरा हुआ और उसके चटाई के निशान नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म के ऊपर अपना निशान बनाए हुए, पास एक मशकीज़ा और मुट्ठी भर जाओ, उमर आप दीदा और नम दीदा, वो जिसके दिल में कभी रहम ना उमर के आए इतना डाटा, नबी की ये सूरत देख कर कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी आप अलैहिस्सलाम उमर ये किस लिए नम दीदा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि कैसरो किसरा जो है वो दुनिया के मज़े लूटें और प्यारा नबी जो है यहाँ पर इस हालत में, फरमाया कैसरो किसरा दुनिया के मज़े लूटें, इस पर खुश नहीं हो कि हम आखिरत के मज़े लूटें। आप चाहते हैं अभी इधर भी दुनिया के मज़े भी फुल लुटो तो आखिरत भी रब नूं फुल लुटो। अल्लाह ने कहा इराज़ कर ले नबी इन दुनिया से और इन जाहिलों से, आप जाहिलों के जा पंगे लगते हैं,
आप टीवी पर बैठकर उनसे ज़बरदस्ती बहसें करते हैं, आपके मुलाने जाकर बहसें करते हैं, बहसों के अंदर आप उन पर कमज़ोर मौलवी आपका जाता है वो उन पर गालिब नहीं आ सकता। मौलवियों को बीमारी लगी हुई है कि हम मैं टीवी पर आऊँ, लोग मुझे कहें रेटिंग बढ़ेगी, मैं कहूँगा जी शाम को मेरा प्रोग्राम देखना, मैं टीवी पर आ रहा हूँ, मैं टीवी पर आ रहा हूँ, टीवी पर हार के घर आ रहे हैं दैरिये से, हैं जी सेकुलर से लिबरल से, ये क्या टीवी पे बैठ के दलीलें दो नहीं दी जाती, जेर वो आपको कर रहे हैं, छितर दिन ब दिन पढ़ रहे हैं, आपने इस्लाम फैलाने के लिए जाना, कैसी बेवकूफ़ी की दुनिया बाद एक कर रखी है। इसको कहते हैं जन्नतुल हुमा का, अहमकों की जन्नत, आपने एक अहमकों की जन्नत बसा ली है भाई, और ऊपर से आपका ये चाहत है कि हम जो है ना फिरौनी जिंदगी गुजार के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में चले जाए, हैं नमरूदी जिंदगी गुजार के इब्राहिम की मुराफ़त और साथ नसीब हो जाए, ठीक है अबू जहल की जिंदगी गुजार के, अबू लहब की गुजार के अल्लाह हमें अपने नबी का साथ नसीब फरमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ अगर भाई ये पूजा पार्टी कोई होती तो नबी अलैहिस्सलाम अलग ना कर लेते अपना सारा उनसे एक, वो काफर बड़े सियाने थे, वो इतने 360 बुत पूज रहे थे, वो कहते चल मोहम्मद एक तेरा भी सही है, क्या तकलीफ थी उनको ना, वो कलमे को समझ गया, उसने कहा ये कहता है कि ला इलाहा का मतलब ये है कि कोई तहजीब कोई सकाफत कोई कल्चर कोई मिल्लत वो काबिले कबूल नहीं जो मेरे खुदा की तरफ से नहीं आई। आप कलमे पढ़ी जाते हैं तहजीबें उनकी मान लें, इस पे मैंने बहुत काम किया, 10 साल खुतबे हो गए मुझे देते हुए और मैंने कभी नहीं इसमें शर्म महसूस की कि 2 घंटे का हो गया 1 घंटे, मैंने कहा समझना समझें नहीं समझना आप जाएं, मैंने बेतनाई इसलिए बनाई है भी मेरे हजरत साहब का एक वाक्य सुनाता हूँ आपको और बात खत्म। बारिश का समा बना हुआ था, यही दिन थे, तो हमारा तहरीक इस्लामी का इज्तिमा मस्जिद में रखा गया सालाना, तो मैं 7 बजे 7:30 बजे मस्जिद पहुंच गया, मौलाना मरहूम भी वहाँ पर आ गए, मैं पहले ही जाता था उस्ताद जी की खबियात, तो वो आते वक्त मुझे ये उनके पास लाठी होती थी, वो मेरे घर की बैल इस लाठी से देते थे, ऐसे बजा के कहते आ जा थले, वो उधर ही उनको मुझे हाथ पकड़ के घर ले जाते मस्जिद, तो मैं पहुँच गया, हजरत जी वहाँ पहुँच गए, मैंने पूछा हजरत जी ये बारिश का समा हुआ है तो इंतज़ाम तो पूरे हैं, तो कहते कोई नहीं आ जाएंगे लोग, लोग वो क्या बारिश ही पहले इतनी हो गई, 8 बजे 9 बजे इज्तिमा था, गलियों में पानी भर गया, कोई बंदा अल्लाह वाला नहीं आया उस्ताद शकील उन्होंने बुलाया, कहते इज्तिमा की कार्रवाई वक्त पर होगी, मेरा ही पहला दर्स रखा हुआ था, इज्तिमा शुरू करो, अब माइक मेरे हाथ में, मौलाना बैठे नीचे, मैंने कहा हजरात तहरीक इस्लामी की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है, है अब मैं दावत देता हूँ मौलाना इसहाक मरहूम को, वो आएँ और दरस कुरान शरीफ जो है इरशाद फरमाएँ, मौली साहब बैठ गए मैं नीचे बैठ गया, 40 मिनट का अगले उन्होंने दिया दर्स, अकेले वो बयान करने वाले सुनने वाला मैं, दुआ खैर करे उन्होंने क्या बारिश हो गई बेटा, हमने जो काम करना था हमारा अल्लाह कबूल फरमाए, उस एक बादशाह को राज़ी करना मकसूद था सो वो हो गया। अब आप कहें ये भी चले वो भी आए मैं भी चलूँ, हम काफ़ी तादाद में हो जाएँ, करते रहें तादाद पूरी, फरिश्ता आ जाना है मौत का, अमाल आपके सारे ज़ाया, ठीक है ना। मेरे पास बहुत मौजूआत हैं इस तफरके बाजी के, यकीन जाने तफरके डालने में मुझे बड़ी महारत हासिल है, ठीक है कोई बंदा क्या डालेगा, मैं तो इस पर रोज रिकॉर्डिंगें कराऊं, हर एक का ही नाटका बंद कर जाऊं तो पड़ जाए शोर दुनिया के अंदर भी, तफरक वला जमीयम वला तफरक, तफरका नहीं वहदत की बात हम करते हैं, हम करते हैं आखिरत की बात। 2 चीज़ें इसमें मैं आपको समझा जाऊँ और वो 2 आप अपने पल्ले मान लें, मेरे उस्ताद जी की बातें हैं वो अमानत है मैं आपको दे जाती हूँ। 1 बात, कलामी अबहास में मत पढ़े, हैं जी आप आए दिन इन कलामी अबहास में पढ़ जाएंगे, कभी अल्लाह की सिफात उसका हाथ कैसा पाँव कैसा ये सफ़ात ऐन ज़ात ज़ायद बर ज़ात, मौलाना मोहम्मद सैन डकू भी बैठे हुए थे अल्लाह उनकी हयाती करे नेक शिया आलिम है, चलो इख्तलाफ अपनी जगह पर, मौलाना इसहाक मरहूम भी बैठे थे दोनों आलिम, हम गए सरगोदा उनके यहाँ जलसा करने के लिए, मैंने कहा मौलाना आप दोनों मौलाना बैठे कमरा है बंद, अब मैंने आपको छोड़ना नहीं, हक बात यहीं पे कर दो, मुझे ये आप दोनों बताएं भी ये जो अल्लाह ऐने की अल्लाह की ज़ात ऐने सिफात है या जायद बर ज़ात है, शिया कहते हैं कि नहीं जी ऐने ज़ात है, सुन्नी कहते हैं जायद बर सिफात, ज़ात सिफात जो है ना ज़ात बर सिफात पर सिफात है ज़्यादा,
डक्कू साहब से मैंने कहा मैंने ये समझा है, उन्होंने कहा आप क्या समझा, उन्होंने कहा मैंने कहा मैंने ये समझा ये सिवा लफ्जी जंग के और मजाक के कुछ नहीं। उन्होंने कहा तूने हक समझा, मौलाना इसहाक ने भी कहा तूने हक ही समझा। मैंने ये सारे मौलवियों से बातें अंदर करके निकलवाई हुई हैं, कुछ भी नहीं इन कलामी अभ्यास के अंदर। एक दूसरा, फिकी मसलों के अंदर कोई औकात ही नहीं फिकी मसलों की, भी हाथ बांध लिए, खोल लिए, रफाई दैन, ये वो, इनकी टगे की हैसियत नहीं। ये जो भी कुछ बयान करते हैं ना कि मैं अफजल करता, तो करते रहो तुम, कहाँ ले जाएंगे तामल उम्मत हम। हाँ, तो उसमें मौलाना इसहाक ने ये दो बातें हमें समझाई हैं कि इसमें वक्त ज़ाया किए बगैर तज़किया नफ्स की गुफ्तगू करो। आपके यहाँ रफल इजदैन करने वाला भी बेईमान है और ना करने वाला भी बेईमान है, फातिहा खलफल इमाम करने वाला भी बेईमान है और ना करने वाला भी। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह जाने मौलवी क्या सुन के छिड़ जाएगी ये बात। आपके यहाँ जनाब जो शिया है वो भी सौदा दो नंबर बेच रहे हैं और सुन्नी भी दो नंबर बेच रहे हैं। आपके यहाँ ना शियों के घरों में सुकून है ना सुनियों के घरों में सुकून है। कैपिटलिज्म ने किसी फिरके का कुछ भी नहीं छोड़ा, सबका तदयुन परहेजगारी तकवा बर्बाद करके बम मार के उड़ा दिया हुआ। सब कुछ बाकी है आपका, आपके रफल इजदैन बाकी हैं, फातिहा खलफल इमाम बाकी है, टांगे खुली करनी, तंग करनी, जोड़ने, हाजर नाजर, इल्मे गैब, नूर बशर, हर शय आपकी बाकी है, मगर आप बाकी नहीं। नमाजो रोजा ओ हजो कुर्बानी सब बाकी हैं, मगर तू बाकी नहीं। इकबाल ने कहा तू मर गया, नमाजो रोजा ओ हजो कुर्बानी सब बाकी हैं मगर तू बाकी नहीं। खा गए ये आपको, ये मसले आपकी उम्मतों को। तकवा जाता रहा, तकवा जाता रहा। जिनके अकीदे सही होने का दावा, वो भी मस्जिदों के अंदर बहुत कुछ करते पकड़े जाते हैं, और जो नहीं उनके भी वो वहां कर लेते हैं, वो क्लबों और पबों में कर लेते हैं। मुसलमान लुट गए हैं, मताए दीनो दानिश लुट गई इन अल्लाह वालों की। ये किस काफर अदा का गमजा है असाकी, किसने ये इशारे ऐसे खूबसूरत किए हैं कि जिससे अल्लाह वालों की दीनो दान। कौन मेकअप करके बुढ़िया खबीस चुड़ैल हसीना बन के आ गई कि जिससे किसी का दीन ही जाता रहा और वो तौबा शिकन साबित हुई उसके लिए। आप अपना दीन बचाएं, तकवा बचाएं, आपका तकवा गया भाई हाथ से, सब कुछ बाकी है। मुनाजरे की किताबें मौजूद हैं, अगर ये मुलाने मुत्तकी होते ये झगड़ा ही ना करते, ये झगड़ा ही ना कर। तकवे का तकाजा ये है कि जब झगड़े में बात पड़ जाए तो पीछे हट जाना चाहिए था, नहीं रोज झगड़े पे झगड़ा। और फिर आप देखते हैं एक दूसरे को शिकस्तें हो रही हैं, उसके फॉलोअर कहते इसको हो गई, इसके कहते उसको हो गई, है जी वो मुझे फ़ोन करके कहता किसको हो गई, मैं कह दोनों को ही हो गई है, और तुझको भी साथ ही हो गई, क्योंकि तू भी साथ जो इस चस्के का आदमी था तुझे भी हो। तो बात कोई बात करें, अगर कोई बात इख्तलाफी किसी आदमी की उसको कहें भाईजान आप ये करते रहें। बाकी आज भी मैं देखता था बात ये नहीं, मुजाहद की तरह नमाज पढ़ें और सूफी की तरह का खुशू व खुजू पैदा करें। बहुत खूबसूरत नमाज पढ़ें, हाथ अच्छे बांधें, जहाँ बांधने खोलने खोलने, रफा इजदैन अच्छा करें, नहीं करना ना करें, हर चीज़ अपने जगह ठिकाने पर हो, लेकिन जो अंदर है ना खुशू व खुजू, अगर वो आपका नहीं है तो आप जितनी मर्जी ऐ खोल खोलते तंग होते इदा ते इदा, आपका सब कुछ ज़ाया। अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको कोई अमल की तौफीक अता फरमाए, कोई मुसलमानों की बस्ती बसाने की तौफीक दे जिसमें शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस वहाबी सब इकट्ठे हो जाएं, और जिसके जहन में खराबी उसको बाहर रखें कि भाई जान हमारे अंदर आप इख्तलाफ ना ही डालें तो बेहतर है। हम यहाँ अपना तकवा संवारने आए हैं, मसले हमने पहले भी बड़े पड़े हैं, अब भी अल्लाह के नज़दीक वही अच्छा है जिसका अल्लाह ने फरमाया अतकाकुम, आपका तकवा सबसे अच्छा है, वही सबसे नज़दीक अल्लाह के है। व आखिर दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।